अलवर के स्वरूप विलास होटल में श्री महाराणा प्रताप समिति द्वारा 478वीं महाराणा प्रताप की जयंती समारोह मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा थे। होटल स्वरूप विलास में बुधवार शाम को 7 बजे आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आयोजकों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ में सामूहिक रूप से दीपदान किया गया। विधायक आहूजा ने महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास पर कहा कि महाराणा प्रताप सूर्यवंशी प्रतापी राजा रहे और उनका जीवन हमेशा राष्ट्र को समर्पित रहा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हम उन्हें नमन कर रहे हैं। कार्यक्रम में विधायक आहूजा के अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, साहित्यकार एवं कवि बलवीर सिंह करुण, यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत सहित राजपूत समाज के अन्य लोग भी मौजूद रहे। मेवाड़ का बप्पा रावल वंश, बप्पा रावल वो बहादुर राजा सम्राट रहे, इन्होंने अफगान जिसको गांधार कहते थे, तुर्की जिसको तर्क, ईरान जिसको आर्यन प्रदेश था, देश था, वहां तक भगवे झंडे को, केसरिया झंडे को फहराया। ऐसे बप्पा रावल और उसके वंशज आगे बढ़ते बढ़ते महाराणा प्रताप सूर्यवंशी प्रतापी राजा रहे, सिर्फ नाम ही प्रताप नहीं वास्तव प्रतापी रहे और श्रद्धा पूर्वक इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए समर्पित अपने पूरे परिवार को जिस प्रकार से उन्होंने होम किया और राजगद्दी के लिए वास्तव में नहीं लड़े, वो लड़े तो इस देश राष्ट्र के लिए, इस भारत माता के लिए, इस अखंड भारत करने के लिए और इससे आगे बढ़कर के कहें तो आर्यभारत और भारतखंड।